हम देखते हैं कक्षा 8 की प्रश्नावली 2.1 को सॉल्व करना। इसमें हमें क्या करना है, चर वाली संख्या और अचर वाली संख्याओं को अलग अलग करना है। तो इसमें मैं आपको पहला क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूँ। जो ये x है ये एक चर संख्या है, जो a b c d वाले अक्षर होंगे x y z वह हमारे चर होंगे, तथा जो 1 2 3 वाली संख्या होंगी इसे हम क्या कहेंगे, अचर। इसमें हमें चर और अचर को अलग करना है और चर का मान निकालना है। तो यहाँ आप देखिए x जो -2 है यह संख्या वहां जाके प्लस की हो जाती है, x इक्वल टू 7, ये माइनस का 2 वहां जाके किसका होगा, प्लस का। माइनस की संख्या उस तरफ जाके प्लस की हो जाती है, 7 में हम 2 जोड़ देंगे तो आंसर है 9। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, सिंपल। साइन चेंज हो जाता है जब भी कोई चर या अचर का पक्षांतर करते हैं, पक्ष बदलता है तो उसका निशान बदल जाता है। अब हम दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं, y इक्वल टू 7 पहले से लिखा है, ये हमेशा लिखने का तरीका रहेगा, ये प्लस का 3 है, उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। 7 में से 3 गए कितने बचे बताइए, 7 में से 3 4, कितना आया 4। ये लिखा है 6 इक्वल टू z प्लस 2, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं z प्लस 2 इक्वल टू 6। जिस प्रकार हम तराजू में कहीं पे भी बांट रख सकते हैं, कहीं भी सामान रख सकते हैं, उसी प्रकार इसको भी हम कैसे भी लिख सकते हैं, किसी भी तरफ लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड कहीं पे भी लिख सकते हैं। यहाँ z है, z इक्वल टू 6, प्लस का 2 उधर जाके किसका होगा, माइनस का, तो z इक्वल टू 6 में से 2 है 4। ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन, x इक्वल टू 17 अपॉन 7, प्लस है उधर जाके माइनस 3 अपॉन 7। ये अपॉन वाला क्वेश्चन है, ठीक है, सेम रहेगा, 3 अपॉन 7 प्लस में है, उधर जाके माइनस में हो जाएगा, बेस सेम है तो एक बार लिखेंगे। आप देखिए नीचे दोनों साथ साथ सेम है, तो सेम कितनी बार लिखेंगे, एक बार, और यहाँ बीच में जो साइन है वही हम कर देंगे। 17 में से 3 गए कितने बचे, 14 अपॉन 7, 7 1 7 7 2 14, ये कट रहा है, x इक्वल टू 2। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप पूछिए कमेंट में, मैं आपको बताऊंगा। थैंक्स, लाइफ एंड